कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक में जन सरोकारों से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति दी। इन फैसलों से देश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की। नरेंद्र मोदी सरकार 2 के शुरुआत शहीद, मजदूर, कामगार और किसानों के कल्याण के साथ हुई। यह हम मानते हैं कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में चीजें रखी थी, इनमें खासकर इन विशेष वर्गों के लिए, इस वादे को हमने पूरा किया। हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र की सीमाएं, इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पर जो हमारा पहला फोकस था, वो जो राष्ट्र की इन सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी, उनके प्रति था। इसी तरीके से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, किसान, कामगार, उनको भी 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 पेंशन देने का जो हमारे मैनिफेस्टो में वादा था, वो हम लोगों ने पूरा किया और अब उन्हें भी 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा। तो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो मुख्य बातें कही थी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, कामगारों के लिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए, सबसे पहला हमने उसी कार्य को अंजाम दिया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में अपने पहले कार्यकाल के पहले दिन कहा था कि यह सरकार गरीबों को निशावर है, ये समर्पित है, और इस कार्यकाल में भी उन्होंने ये पहले कैबिनेट से ये निर्णय लेकर दिखा दिया कि जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो हम लोगों ने पूरा किया। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 12.5 करोड़ किसानों से बढ़ाकर 14.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया सालाना देने की घोषणा, उनको पेंशन देने की घोषणा, वैसी परिस्थिति में जब किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50% का पेंशन देने की योजना, ये सिर्फ एक बात को दर्शाती है कि पिछले चुनाव के समय से ही जितने भी राजनीतिक पंडित थे और जितने भी राजनीतिक विश्लेषणकर्ता थे, आप मीडिया के बंधु थे, सब अपने अपने आकलन कर रहे थे और मोदी जी केवल एक विचारधारा से काम कर रहे थे। और वह था हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कही हुई एक बात कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक अपने आप में खुश नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, और यही हुआ। लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में किए गए वादों को मौजूदा सरकार कितना पूरा कर पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किंतु वादों को पूरा करने की जिस प्रकार से शुरुआत की गई है, वह एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।